नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। हम इस वक्त खड़े हैं बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी छज्जू राम रोड पर, जहां पर एक ज्वेलर्स का घर है और यहां पर 12-15 लाख रुपए की चोरी हुई है। हम आपको दिखाते हैं चोरी कहां पर हुई है, किस कमरे में हुई है। हम बातचीत करेंगे जो मकान मालिक हैं जिनके यहाँ चोरी हुई है, उनसे पूछेंगे कितने रुपए की चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ है। अंदर चलते हैं, विजुअल आपको दिखाते हैं, घर के अंदर चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस अलमारी में चोरी हुई है और इससे छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस जांच भी चल रही है। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है, क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। तो अभी इससे छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन कमरे की हालत इसी प्रकार की थी जब चोर इसे छोड़कर गए थे और अलमारी से कैश वगैरह लूटा था। आपको ये भी बता दें, दो चोर घर में घुसते हुए और चोरी का माल लेकर भागते हुए दिखाई भी दिए हैं। CCTV में आप चोरों को देख सकते हैं, घर में घुस रहे हैं और उसके बाद ये चोरी का माल लेकर फरार हो रहे हैं। इनके हाथों में चोरी का बहुत सारा माल है, देखिए आप लोग, ये माल लेकर भाग रहे हैं। CCTV वीडियो में ये वारदात 18 जुलाई सुबह 4 बजे के आसपास की है। हम बातचीत करेंगे कितने की चोरी हुई है और क्या क्या लूटा गया है। यहाँ पे मकान मालिक हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी, आप सुनाओ। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है जी। आपके यहाँ लूट हुई है, कब हुई, कितने की लूट हुई, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। ये 12.5 लाख रुपए नकदी थे जी। अच्छा, 18 तोला सोना था। अच्छा, हाँ जी। पैसे कहाँ पर रखे गए थे, कुछ है? हाँ जी, लॉकर में रखे हुए थे। लॉकर में रखे गए थे, काफ़ी कैश था आपका? हाँ जी। और गोल्ड भी था। क्या काम है आपका? मेरा प्रॉपर्टीज का काम भी है, मेडिकल स्टोर भी है। अच्छा, हाँ जी। ज्वेलर्स भी बता रहे हैं? ज्वेलर्स भी है। ज्वेलर का काम भी है, स्वीट्स का काम भी है। स्वीट्स का भी काम है, प्रॉपर्टी का भी काम। हाँ जी। तो काफ़ी कैश आपने रखा था और चोरों की नज़र उस पर पड़ गई। रजिस्ट्री करानी थी। हाँ जी, आप बताइए। एक रजिस्ट्री करानी थी, उसके चक्कर में रखा था कैश। रजिस्ट्री कराने के लिए आपने कैश रखा था, कहाँ पर रखा था, थोड़ा सा बताएंगे? इसमें रखा था, लॉकर में। एक मिनट, थोड़ा अंदर चलो, यहाँ दिखा देते हैं। आपका नाम भी बता दीजिए। संदीप बंसल। संदीप बंसल जी। हाँ जी। तो आपने रजिस्ट्री कराने के लिए कैश रखा था और इसी अलमारी में रखा था, इसी लॉकर में रखा था, आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैश भी रखा था, गोल्ड भी रखा था? हाँ जी, गोल्ड भी था। अच्छा, तो पुलिस में शिकायत दे दी आपने? पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया जी। क्या नंबर है मुकदमे का, बताइए? मुकदमा नंबर FIR नंबर देखिए, 0313 है। जो कहाँ पे आपने शिकायत दी थी? आदर्श नगर में जी। अच्छा, अभी क्या स्टेटस है? अभी जी उन्होंने मुकदमा दर्ज करके मुझे CIA में ट्रांसफर कर दिया। CIA में ट्रांसफर किया है? ऊंचा गाँव। हाँ जी। अच्छा, ऊंचा गाँव में ट्रांसफ़र किया गया है मामला और जांच चल रही है, आप कुछ बताएंगे? जी भैया बताइए। मेरा नाम सुनील है। अच्छा, मैं दोस्त है मेरे, मैं यहीं पर रहता हूँ पड़ोस में ही। इनके यहाँ पर चोरी हुई है। अच्छा, अभी पुलिस की कार्रवाई से अभी हम संतुष्ट हैं। पुलिस वाले अपनी कार्रवाई में लगे हुए, केस CIA में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, काफ़ी मतलब बहुत ही भारी भरकम यहाँ पर जो रॉबरी हुई है बहुत, और इसी के पास पीछे गली में भी उसी दिन उसी टाइम पे। अच्छा। वहाँ पे भी एक डकैती हुई है पीछे। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, वहाँ पे क्या लूट हुई थी? वहाँ से भी पैसे और कुछ सामान गया, वो भाई यहीं पे हैं। अच्छा। जिनके यहाँ चोरी हुई है वो भी यहीं पे हैं। अच्छा। महावीर चौधरी जी हैं, पीछे गली में रहते हैं, निशांति स्कूल के पास। अच्छा, उनके यहाँ पे चोरों ने कई मकानों में लूट। हाँ जी, हाँ जी, उसी टाइम उसी टाइम की फुटेज भी है, सब चीज़ है। अच्छा अच्छा जी। तो पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया? हाँ जी, हाँ जी, कार्रवाई हो, अभी तक कार्रवाई से संतुष्ट हैं जी। अब देखते हैं लुटेरों की गिरफ्तारी कब तक होती, कुछ है आइडिया कितने लुटेरे थे? वीडियो में तो दो ही बंदे दिखाई दे रहे हैं। दो बंदे दिखाई दे रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम विकास है। कहाँ रहते हैं? ये नवोदय स्कूल के बाजू वाली गली में। आपके यहाँ भी लूट हुई? जी, हमारे यहाँ भी। क्या लूटा गया? अरे भैया, 5-6 लाख का सोना गया, पूरा सोना रखा था। हाँ जी, सोना। कैश वगैरह? कैश 10,000 रुपये कैश था और एक नया फ़ोन था। फोन था, सोना था और कैश था। टोटल कितने की लूट हुई है? 5-6 लाख के अप्रोक्सीमेट। तो आपको भी शक है इन्हीं लुटेरों ने? बिल्कुल, इन्होंने लूट। काबर हो गया मैं दुनिया भर को।
कुछ पता भी रहेगा। आपने कहाँ शिकायत दी? मैंने ये अपना आदर्श नगर थाने में। अच्छा, आपका केस कहाँ है इस वक्त? अभी अपना ओम प्रकाश देसवाल जी उनके पास है। अच्छा, FIR दर्ज हो गई? बिल्कुल दर्ज हो गई। क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या मांगे? बिल्कुल वह पकड़े जाएं, बिल्कुल हमारा पूरा सामान मिले। अच्छा, चलो ठीक है। नमस्कार। नमस्कार।